हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में बात करेंगे अल्कोहल में आगे नोमेनक्लेचर की। ठीक है, इससे पहले सेशन में अपन ने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, अल्कोहल के इंट्रोडक्शन के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अब देखिएगा, यहाँ पर अपन बात करेंगे अल्कोहल की नोमेनक्लेचर की, अल्कोहल के नोमेनक्लेचर की यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं बेटा। तो देखिएगा, जब भी अपन नोमेनक्लेचर को देखते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि जैसे ये एक एग्जांपल दे रखा है CH3OH, इसका कॉमन नेम तो क्या हो जाता है बेटा, मिथाइल अल्कोहल हो जाता है। क्या हो जाता है? मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल प्लस एल्कोहल ऐड कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाएगा, फिर मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जब भी किसी अल्कोहल कंपाउंड का कॉमन नेम आप लिखते हैं तो सबसे पहले अल्काइल ग्रुप को लिखेंगे और प्लस अल्कोहल जोड़ देंगे तो अल्काइल अल्कोहल हो जाएगा। जैसे यहां पर मिथाइल जो कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, जिससे OH जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप से, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल अल्कोहल ये हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, आईयूपीएससी नेम इसमें एक ही कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक कार्बन के लिए मैथ सिंगल बॉन्ड है तो एन मैथेन, और OH के लिए जो सफिक्स होता है ऑल वो जोड़ दिया जाता है। क्लियर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, मैथेनॉल हो जाता है। क्लियर, क्या हो जाता है, मैथेनॉल हो जाता है। ठीक है, मैथेनॉल इसका नाम हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, रूट वर्ड प्लस एन प्लस ऑल, मैथ एन ऑल, तो क्या नाम आ जाएगा, मैथेनॉल आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका नाम अपन लिखेंगे। रूट वर्ड क्या हो जाएगा, कितने कार्बन हैं, तो कार्बन नंबर एक है। ठीक है, एक कार्बन होता है तो मैथ यूज करते हैं, दो कार्बन होता है एथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, ठीक है, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, नौ के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, इस तरीके से चलता रहता है रूट वर्ड। ठीक है, अब इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन लगा देते हैं, डबल बॉन्ड आ जाए तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो आयन लगा देते हैं, फिर सफिक्स को लिख दिया जाता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होगा उसको ऐड कर दिया जाता है। जैसे यहां पर एल्कोहल का सफिक्स अपन देख रहे हैं तो एल्कोहल के सफिक्स को ओल कहा जाता है। ठीक है, तो ओल यहां पर ऐड कर दिया जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर सेकेंड एग्जाम्पल है आपके एथेनॉल। अब देखिएगा, इसमें दो कार्बन प्रेजेंट है बेटा, क्या है, दो कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इथाइल एल्कोल इसको कह दिया जाता है और इसका आईपीएसी नेम हो जाता है एथेनॉल। क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल आ जाएगा आपके यहां पर CH3CH2CH2OH, तीन कार्बन है और स्ट्रेट चेन है, सीधी चेन है, तो इसको कहेंगे एन नॉर्मल ग्रुप। क्लियर, तो एन प्रोपाइल एल्कोहल कॉमन नेम हो जाएगा, और तीन कार्बन के लिए प्रोप आता है, एन जोड़ देंगे ऑल जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा, तीन कार्बन के लिए प्रोपेन वन ऑल, क्योंकि एक नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग भी आप शो करेंगे इसमें। ठीक है, तो प्रोपेन वन ऑल इसका नाम हो जाता है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, फोर नंबर एग्जाम्पल CH3CH3OH, तो इसका आईपीएससी नेम जो है वो नंबरिंग के अकॉर्डिंग टू नंबर पे OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, इससे पहले देखिएगा, यहाँ पर कॉमन नेम दिया हुआ है, या तो आइसो हो जाएगा या सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोल इसका नाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है। किस पे जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है। अब इसकी नंबरिंग देख लेते हैं तो 1 2 3 ऐसे नंबरिंग हो जाएगी और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, दो नंबर के कार्बन पे OH यहाँ पर जुड़ा हुआ है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पांच नंबर एग्जाम्पल, तो यहां देखो CH3 जो है ये CH2 यहां जुड़ा हुआ है। ओके, CH2 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 CH2, ऐसे इसका कॉमन नेम जो है वो एन ब्यूटाइल एल्कोल हो जाएगा। यहां से एक नंबर कार्बन ये हो जाएगा, दो नंबर ये हो जाएगा, तीन नंबर ये हो जाएगा और चार नंबर ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन वन ऑल। क्या नाम आ जाएगा बेटा, ब्यूटेन वन ऑल। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा यहां पर CH3CHOH CH2CH3, इसका कॉमन नेम हो जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी कब होता है ग्रुप, जब एक सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो और एक इथाइल ग्रुप ऐड होता है। ठीक है, तो उसे सेकेंडरी टाइप कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है बेटा, सेकेंडरी टाइप कह दिया
जाता है। क्लियर। अब देखो इसका आईयूपीएसी ने नंबरिंग हो जाएगी यहां पर इसकी, इधर से 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबरिंग हो जाएगी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर। तो हो जाएगा चार कार्बन के लिए ब्यूट, दो नंबर पे जुड़ा हुआ है, टू ऑल, तो ब्यूटेनॉल, तो हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटेन टू ऑल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सात नंबर एग्जाम्पल। अब देखो यहां पर CH3 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 जुड़ा हुआ है 3 डिग्री कार्बन एटम पे। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है OH, और इसका टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल कॉमन नेम हो जाएगा और आईपीएसी नेम हो जाएगा। ये देखिएगा नंबरिंग ऊपर से नीचे शो की जा रही है, नीचे से ऊपर भी ले सकते हैं क्योंकि सेम कार्बन है दोनों डायरेक्शन से। ठीक है, तो नाम हो जाएगा टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। टू नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा। क्या जुड़ा हुआ है? टू नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और तीन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में तीन कार्बन आ रहे हैं, तो प्रोपेन और टू ऑल दूसरे नंबर पे OH प्रेजेंट है यहाँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिएगा अगला एग्जांपल हो जाएगा। इसका कॉमन नेम है वो हो जाएगा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। आइसो क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है? आइसो कह दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन चार हैं, तो ब्यूटाइल यूज करेंगे तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा। और आईपीएसी नेम है तीन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तीन की बनेगी, तो टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑल, क्योंकि OH ग्रुप जो है वो एक नंबर के कार्बन पे एड है। क्लियर, तो टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑल इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा, और कॉमन नेम जो है वो हो जाएगा आपके यहां पर आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा बेटा? आइसोब्यूटिल एल्कोहल। क्लियर, ओके, नेक्स्ट देखिएगा नाइन नंबर जो एग्जांपल है आपके, इसमें देखिएगा ये क्या है? नियो पेंटाइल ग्रुप है, नियो पेंटाइल ग्रुप है, तो नियो पेंटाइल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा? नियो पेंटाइल एल्कोहल। ठीक है, और आईपीएससी नेम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर देते हैं, दो नंबर के कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप ऐड है, तो टू टू डाई मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन वन ऑल आ जाएगा यहां पर। क्या आ जाएगा? टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन वन ऑल यहां पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर एग्जाम्पल ये देखिएगा, इसका जो नेम है आपके, फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इंस्टेंट ऑफ कॉमन नेम आईपीएससी नेम इज मोर प्रिफर्ड फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे ही कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आता है तो कॉमन नेम जो है वहां पर अप्लाई नहीं हो पाता, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कॉमन नेमिंग करने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, बहुत सारी बातें याद रखने की रहती हैं, इसलिए जटिलता की ओर ना भटके अपन सरलता की ओर नामकरण करते हैं। तो आईपीएससी नेम जो है वो एक ऐसा नामकरण दिया जाता है जिसमें आप कितनी बड़ी स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों ना हो, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर क्यों ना हो, आप रूल के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड नेम आते हैं या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वहां पर उनका आईपीएससी नेम ही ज्यादा प्रिफर्ड किया जाता है। ठीक है, उसको प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं बजाय कॉमन नेम के। क्लियर, तो यहां पर इस स्ट्रक्चर के लिए आप देखेंगे कि यहां पर आईपीएससी नेम होगा, तो पहले क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर देते हैं इस डायरेक्शन में, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की। ठीक है, अब टू नंबर पे और फोर नंबर पे तीन मिथाइल ग्रुप ऐड हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? टू टू फोर ट्राई मिथाइल पेंटेन थ्री ओल, तो तीन नंबर के कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, तो इसका आईपीएससी नेम क्या बन जाएगा बेटा? टू टू फोर ट्राई मिथाइल पेंटेन थ्री ओल हो जाता है। क्लियर, ओके, नेक्स्ट देखिएगा अगली जो स्ट्रक्चर है 11वें एग्जाम्पल की, तो इसमें दो OH ग्रुप आ गया, दोनों ही डायरेक्शन से आप नंबरिंग कर सकते हैं, तो किसी एक डायरेक्शन से नंबरिंग कर लेते हैं, चार कार्बन हो रहे हैं, तो ब्यूटेन टू थ्री डाई ओल, दो कार्बन पर दो OH जुड़े हुए हैं, तो डाइओल यूज कर लिया जाता है, तो ब्यूटेन टू थ्री डाइओल इसका नाम हो जाता है। नेमिंग क्या हो जाएगी बेटा? ब्यूटेन टू थ्री डाइओल हो जाएगी इस कंपाउंड की। नेक्स्ट कंपाउंड देखिएगा बेटा,
ये कंपाउंड आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिएगा दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो देखिएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे आप, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 नंबर की मिलती है, ठीक है। और 4 नंबर पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 4-इथाइल-हेप्टेन-2-3-डाइओल इसका नाम हो जाता है बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देखिएगा, 1-2 पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और 5 नंबर की कार्बन चेन है, तो ये हो जाएगा पेंटेन-1-2-डाइओल। नेक्स्ट देखिएगा, और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी दिखाते हैं कंपाउंड्स में। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब OH के अलावा या मिथाइल ग्रुप के अलावा अलग सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, अलग प्रतिस्थापी भी यहाँ पर जुड़े हुए हो सकते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन प्रतिस्थापी है, देखिएगा। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि नंबरिंग कहाँ से देंगे, तो नंबरिंग का ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना है आपको कि नंबरिंग ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप से, फिर मल्टीपल बॉन्ड से, ठीक है, और फिर सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को देते हैं, क्रियात्मक समूह को, ठीक है। बहुबंध जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, और फिर प्रतिस्थापी को देंगे। तो यहां पर देखो प्रतिस्थापी भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग हो जाएगी फंक्शनल ग्रुप की साइड से। तो 5 कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में है और 4 नंबर पे क्लोरीन है और 2 और 3 नंबर पे मिथाइल है। तो जब भी आप नेमिंग करते हैं तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर को भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो हो जाएगा IUPAC नेम 4-क्लोरो-2-3-डाइमिथाइल-पेंटेन-1-ऑल। क्या हो जाएगा बेटा, 4-क्लोरो-2-3-डाइमिथाइल-पेंटेन-1-ऑल यहां पर इसका नेम हो जाता है। कौन सा नेम, IUPAC नेम, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है आपके, ये देखिएगा, और थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं स्ट्रक्चर को, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी गई है कंपाउंड की। तो देखिएगा यहां से इसकी नंबरिंग की जाएगी, ठीक है, कि ऐसी नंबरिंग करेंगे, ऐसी चेन लेंगे, ऐसी चेन को प्रिफ्रेंस देंगे जिसमें एक से ज्यादा प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों, सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हों, या मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हों, ठीक है। देखिएगा ये वाली जो लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या तो ज्यादा है बट फंक्शनल ग्रुप OH यहां रह गया, ठीक है, इसलिए इसको आप क्या करते हैं, ऐसे चुनते हैं, ऐसे सिलेक्ट करते हैं। क्लियर, कोई डाउट यहां पर बच्चों? तो देखो रूल में अपन कहते हैं कि ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हों, ज्यादा प्रतिस्थापी हो तो मेन चेन उसको मानते हैं, बट यहां फंक्शनल ग्रुप को प्रिफरेंस देंगे, ठीक है। तो नेमिंग हो जाएगी इसकी आपके यहाँ पे, कॉम्प्लेक्सिटी के लिए दो अलग से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 और 2, जो आपके रेडिकल मान के इनकी नंबरिंग कर ली जाती है। तो 2-क्लोरो-मिथाइल-2, 2-क्लोरो-मिथाइल-2, 1-मिथाइल-इथाइल, ठीक है, 1-मिथाइल-इथाइल, ये हो गया, ठीक है। एक बार देखो मैं दोबारा से इंक रिमूव करके बता देता हूं कि देखो यहां से ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की मेन कार्बन चेन से हटा के दोबारा नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसलिए ये हो जाएगा 1-मिथाइल-इथाइल, सब्स्टिट्यूएंट है तो इथाइल ही कहेंगे, इथेन नहीं कहेंगे इसको, ठीक है बेटा। और फिर लिख देते हैं यहां पर क्लोरो मिथाइल, ये देखिएगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अपन इसको अरेंज कर रहे हैं, तो हो जाएगा 3-क्लोरो-मिथाइल-2, 2 नंबर के कार्बन पे ये साइड चेन जुड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है, तो इसको हो जाएगा 1-मिथाइल-इथाइल, और फिर हो जाएगा पेंटेन-1-ऑल, ये रहा। क्लियर बेटा, कोई डाउट, कोई भी किस्म का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, तुरंत आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा बेटा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा अगला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखो इसमें एक OH ग्रुप तो यहां हो गया और एक OH ग्रुप यहां हो गया, तो अब आपको नंबरिंग करनी है तो कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे। तो देखिएगा बेटा यहां पर चेन फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट होगी,
क्लियर। और छह कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन जाती है। दो नंबर के कार्बन पे क्या है, मिथाइल है, और पांच नंबर के कार्बन पे मिथाइल है। दो OH आ गया तो डाई यूज हो जाएगा और नेमिंग हो जाएगी इसकी बेटा 2,5। 2 और 5 पे मिथाइल ग्रुप है तो 2,5-डाईमिथाइल। हेक्सेन 1 और 3 नंबर पे OH है तो इसका सफिक्स ओल हो जाएगा तो डाइओल इसका नेम हो जाएगा। तो 2,5-डाईमिथाइल हेक्सेन 1,3-डाइओल हो जाता है बेटा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, अगला एग्जाम्पल आ जाता है। अब देखो इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो अब मल्टीपल बॉन्ड 1 नंबर के कार्बन पे और 3 नंबर के कार्बन पे OH है। इस साइड से 4 नंबर के कार्बन पे है OH, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी चेन की, डबल बॉन्ड की साइड से, जिससे फर्स्ट प्रायोरिटी में मिनिमम नंबर पर OH भी आ जाता है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन चेन हो जाएगी तो नेमिंग हो जाएगी हेक्स 1 इन। ठीक है, 1 इन आ गया तो 1 इन 3 ऑल आ जाता है। क्या आ जाता है, हेक्सेन 1 इन 3 ऑल हो जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है आपके CH3CHOH। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड भी आ रहा है, सब्स्टिट्यूएट भी आ रहा है और मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया। तो यहां पर अपन क्या बात कर लेते हैं, नंबरिंग वही OH की डायरेक्शन से और नेमिंग हो जाएगी 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो हेक्स 2 इन 2 ऑल। ये करेक्ट नेमिंग होती है बेटा ऐसे। क्लियर। अगला एग्जांपल है आपके साइक्लो कंपाउंड का नेमिंग कर लेते हैं। तो यहां पर जो नेमिंग होगी 1, 2, 3, ठीक है, और 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, 1 नंबर के कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें अपन कह सकते हैं कि कुछ जो आपके आइसोमर्स होते हैं उनको किस तरीके से उनके नंबर्स को आप डिफाइन कर सकते हैं, उनके बारे में यहां पर अपन बात कर लेते हैं। तो टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ एल्केन, ये एल्काइल एल्कोहल, कैसे याद करेंगे, 2 की पावर n-2 फॉर्मूला हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट होता है पॉसिबल आइसोमर ऑफ एल्काइल एल्कोहल प्लस ईथर, तो वो हो जाएगा 2 की पावर n-1-1, 2 की पावर n-1-1 हो जाता है। तो ये फॉर्मूले आपको टोटल नंबर ऑफ आइसोमर डिफाइन करने में काफी ज्यादा यूजफुल होंगे बेटा, तो ध्यान रखना इनको। नेक्स्ट देखिएगा, पॉसिबल आइसोमर ऑफ ईथर्स, तो यहां हो जाएगा आपके 2 की पावर n-1-1 ब्रैकेट -2 की पावर n-2। क्लियर। यहां पे n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। क्लियर। तो अल्कोहल और ईथर दोनों के लिए जो आइसोमर्स आप नंबर डिफाइन करते हैं वो इन फॉर्मूलाज से आप ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, जब अपन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस को अपन डिस्कस कर लेते हैं। आईपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका आईपीएससी नेम, तो देखिएगा 1, 2, 3, तो 2-मिथाइल-प्रोपेन-2-ऑल इसका नाम हो जाता है। तो 2-मिथाइल, तो ऑप्शन में कौन सा जो नाम है वो आ रहा है, 2-मिथाइल-प्रोपेन-2-ऑल आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके आईपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो यहां पर देखिएगा इसका नाम कौन सा नाम हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं यहां पर नंबरिंग जो होगी वो यहां से होगी 1, 2, 3, 4 और 5। 5 कार्बन चेन लॉन्गेस्ट हो जाएगी, इसमें 4 नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है और 2 और 3 पे डाई मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो नाम हो जाएगा 4-क्लोरो-2-3-डाई-मिथाइल। ठीक है, पेंटेन-1-ऑल, तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। क्लियर बेटा, यहां पे ऑप्शन क्या मिलेगा, थर्ड मिलेगा आपको। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, आईपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, अभी अभी अपन ने देखा है 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, या साइक्लोहेक्सेन-1-ऑल भी कह सकते हैं आप। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, पॉसिबल आइसोमर ऑफ एल्काइल एल्कोहल कैन बी गिवन बाय 2 की पावर n-1, 2 की पावर n,
टू की पावर एन माइनस टू, टू की पावर एन माइनस वन प्लस वन, तो हो जाएगा टू की पावर एन माइनस टू। अभी अभी अपन ने डिस्कस किया बेटा। ओके नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब अपन बात कर देते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा है, फिनोल का स्ट्रक्चर कैसा है और इथर का स्ट्रक्चर कैसा है। यहां तो देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ मेथेनॉल, स्ट्रक्चर ऑफ मेथेनॉल लिया जाता है तो अपन कह सकते हैं यहां पर कि एक जो कंपाउंड होगा उसमें उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से ये डिफाइंड करेगा। तो देखो यहां पर आपको ऑक्सीजन का लोन पेयर शो हो रहा है, ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, इसके दो लोन पेयर हैं, फिर इस साइड और इस साइड जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप हो जाएगा और इस साइड जो है वो CH3 ग्रुप होता है बेटा, CH3। ओके तो ये हो जाएगा मेथेनॉल। इसमें देखिएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड एंगल है वो 108.9 डिग्री होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है वो हो जाएगी 96 पिकोमीटर बेटा, क्या हो जाएगी 96 पिकोमीटर, ठीक है, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो हो जाएगी 142 पिकोमीटर, क्या हो जाएगी बेटा 142 पिकोमीटर हो जाती है। क्लियर। फिर फिनोल की बात आती है तो फिनोल में अपन बात कर लेते हैं, फिनोल में एक साइड जो है यहां तो हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, एक साइड रहेगा हाइड्रोजन और एक साइड रहेगा फिनाइल ग्रुप, क्या रहेगा फिनाइल ग्रुप। क्लियर। तो यहां पे देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो है वो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है, क्या है 109 डिग्री है, ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो इसको मैं ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं। यहां पे शायद वो व्हाइट इंक से स्ट्रक्चर बना हुआ है तो बैकग्राउंड व्हाइट होने की वजह से ये शो नहीं हो पाया, ठीक है, तो यहां मैं आपको बना के बता देता हूं। क्लियर। और यहां पर जो बॉन्ड एंगल है फिनाइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच वो हो जाएगा 136 पिकोमीटर। क्लियर। और इधर से R और इधर से R, डाई मिथाइल इथर, तो यहां पे R क्या है CH3 है, क्या है बेटा R CH3 होगा। ओके तो 111.7 डिग्री जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाएगा और एक साइड जो बॉन्ड लेंथ है वो 141 पिकोमीटर हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है यहां पर sp3 हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये स्ट्रक्चर होगी फंक्शनल ग्रुप की। तो अब देखिएगा यहां पर एक एक करके इसको डिफाइन किया गया है तो अपन देख लेते हैं बेटा। द बॉन्ड एंगल कार्बन OH इन एल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, ठीक है, टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा क्या होता है कम होता है, टेट्रा जो हेड्रल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ये 109 डिग्री होता है। देखो ये कितना होता है बेटा 108.9 डिग्री होता है, 108.9 डिग्री होता है, तो थोड़ा कम होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, इट्स ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। और ऐसा क्यों होता है, जो ऑक्सीजन के अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब जो लोन पेयर है उनकी वजह से थोड़ा झुक जाता है और कम हो जाता है रिपल्शन की वजह से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन दैट इन मेथेनॉल, ठीक है, ये थोड़ी कम होती है फिनॉल से। इट्स ड्यू टू यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बाय डीलोकलाइजेशन, फिनोल में क्या होता है पार्शियल डीलोकलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो फिनोल इज स्लाइटली लेस देन दैट इन मेथेनॉल। क्लियर। तो फिनोल की थोड़ी कम हो जाती है यहां पर। फिर देखिएगा, sp2 कार्बन अटैच टू OH ग्रुप ऑफ फिनोल, फिनोल में जो कार्बन होता है वो उससे OH जुड़ा हुआ होता है और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कार्बन का sp2 होता है बेटा, ठीक है, इस वजह से ये अल्कोहल मतलब मेथेनॉल से थोड़ा कम मिलता है। मैन तो डीलोकलाइजेशन होता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाती है यहां पर। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल तो देखिएगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल जो होगा सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल ईथर का होता है, फिर फिनोल का और सबसे कम अल्कोहल का होता है। अभी अपन ने स्ट्रक्चर में भी देखा था बेटा
कि इथर का 111.7 डिग्री तक जा रहा था और अल्कोहल का 108 पॉइंट कुछ था, ठीक है। तो ड्यू टू बिग साइज अल्काइल ग्रुप अराउंड द ऑक्सीजन, और ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे इथर की ओर बढ़ते जाते हैं तो अल्काइल ग्रुप बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ जो होता है वो अल्कोहल का और इथर का ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट फिनोल का कम होता है जो डिलोकलाइजेशन की वजह से कम हो जाता है, या डबल बॉन्डेड एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होने की वजह से ओएच कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, ठीक है बेटा। ओके नेक्स्ट देखिएगा, यूज ऑफ मेथेनॉल। अब यहां पे अपन यूज ऑफ मेथेनॉल देख लेते हैं। मेथेनॉल का यूज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स फैट गम्स, ठीक है, किस किस में किया जाता है, ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में ऑयल्स फैट गम्स के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। फॉर ड्राई क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम्स में भी इसका यूज किया जाता है। एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट भी ये होता है। नेक्स्ट, टू प्रिपेयर क्लोरोमेथेन, डाइमिथाइल सल्फेट एंड फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन भी आप यहां पर करवा सकते हैं बेटा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, एज ए सॉल्वेंट ऑफ डाई ऑयल परफ्यूम्स कॉस्मेटिक एंड ड्रग्स, कौन, इथेनॉल का यूज, ठीक है। अब सेकेंड होता है इथेनॉल का यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर डाई ऑयल्स परफ्यूम्स कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स के रूप में भी इसको लिया जाता है या यूज किया जाता है बेटा, ठीक है। मिक्सचर ऑफ 10 to 20% एथेनॉल विथ पेट्रोल इज यूज एज मोटर फ्यूल, और यदि पेट्रोल में 10 से 20% इसका मिक्सचर कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं इसको, तो ये मोटर फ्यूल के फॉर्म में काम में लिया जाएगा। एज ए एल्कोहलिक बेवरेज, ठीक है, एल्कोहल जो पेय पदार्थ होते हैं उसके रूप में भी इसको काम में लिया जाता है, पीने योग्य में, ड्रिंकिंग में, ठीक है। इफेक्टिव टॉपिकल एंटीसेप्टिक, और ये इफेक्टिव टॉपिकल एंटीसेप्टिक भी होता है, क्या होता है, एंटीसेप्टिक के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है, प्रतिरोधी के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट, यूज टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, एसिटिक एसिड, ठीक है। और क्या क्या बनाने में इसका यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म इससे बनाया जा सकता है, आयोडोफॉर्म बना सकते हैं, एसिटिक एसिड इससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट नोट पॉइंट देख लेते हैं, रेक्टिफाइड स्प्रिट। रेक्टिफाइड जो स्प्रिट होती है उसमें 95.6% इथाइल एल्कोहल होता है और 4.4% वाटर होता है, वो एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या हो गया, कि जब दोनों का अलग अलग कंटेंट होता है, कि इथाइल अल्कोहल अलग है और वाटर अलग है, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो अलग अलग होता है, लेकिन जैसे ही इसको मिक्स कर देते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स हो जाता है, या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन में आप पढ़ते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में, तो वहां पे अपन इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये रेक्टिफाइड स्प्रिट जो होती है वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर के रूप में होती है, और इसमें 95.6% इथाइल एल्कोहल होता है और 4.4% वाटर होता है, ठीक है, 95.6% होगा, ठीक है। नेक्स्ट, पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल में 20% एब्सोल्यूट एल्कोहल और 80% पेट्रोल होता है, जो मोटर फ्यूल के रूप में काम में लिया जाता है, जिसे पावर फ्यूल कहा जाता है या पावर अल्कोहल कह दिया जाता है, क्लियर। ओके, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट जो अल्कोहल होता है उसमें 99% प्योर इथाइल अल्कोहल होता है, 99%, केवल 1% वाटर कंटेंट मिला होता है, ठीक है, मतलब 1% से ज्यादा वाटर इसमें नहीं मिलाया जाता, तब उसे क्या कहा जाएगा, एब्सोल्यूट अल्कोहल कह दिया जाता है बेटा, मतलब 99% प्योर इथाइल अल्कोहल प्राप्त होगा यहां पर, क्लियर। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस को अपन डिस्कस कर लेते हैं। अल्कोहल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ क्रॉसबॉन्डिंग एल्केन ड्यू टू, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग,
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नन ऑफ दिस। तो इसमें होता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ओके। मतलब इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना ले। और इंट्रा जैसे एक वाटर एक अल्कोहल मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो इंटरमोलिक्यूलर, तो इसमें अल्कोहल अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए ये एल्केन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, फॉलोइंग इज यूज एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, नन ऑफ दिस। तो हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल को एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, फॉलोइंग इज यूज एज ए एल्कोहलिक ब्रेवेज बेवरेज, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, नन ऑफ दिस। तो एथेनॉल को काम में लिया जाता है। 95.6% इथाइल एल्कोहल एंड 4.4% वाटर इज पावर एल्कोहल, रेक्टिफाइड स्प्रिट, एब्सोल्यूट एल्कोहल, नन ऑफ दिस। तो ये होता है रेक्टिफाइड स्प्रिट, अभी अपन ने डिस्कस भी किया है। मोर सीओ बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ इज ऑब्जर्व इन एल्कोहल, फिनॉल, बोथ आर इक्वल, इथर्स। तो ये हो जाएगा एल्कोहल में, सीओ बॉन्ड जो होगा वो एल्कोहल में सबसे ज्यादा मिलेगा। बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ इज फिनोल इज स्लाइटली लेस देन सीओ ऑफ मेथेनॉल बिकॉज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एसपी टू कार्बन अटैच टू ओएच ग्रुप ऑफ फिनोल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो यहां हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से फिनोल में बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है मेथेनॉल के कंपैरेटिवली। क्लियर बेटा, आज के सेशन में अपन यहीं तक डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। आप अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िएगा ध्यान पूर्वक, ठीक है। इसमें काफी सारे जो नेमिंग है, कॉमन नेमिंग और आईपीएससी नेमिंग के रूल्स मैंने यहां पे डिस्कस किए हैं, ठीक है, और इनकी स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आप अच्छे से बैठा इस वीडियो को ध्यान से देखें। इससे पहले वाला जो सेशन है उसमें इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन की बात की थी अल्कोहल में, तो आप उस वीडियो को भी ध्यान से देखें। और कोई भी किसी भी किस्म का डाउट आए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, तुरंत आपको उसका आंसर मिल जाएगा बेटा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू बेटा।